नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ रॉयल एनफील्ड हिमालया 450 का रिव्यू। दोस्तों ये देख सकते हो, और इस गाड़ी की खास बात ये है कि ये पूरी मॉडिफाइड कराई हुई है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे में, इसमें सारा स्टोरेज रखने के लिए सब कुछ लगाया हुआ है, सारा सेटअप किया हुआ है। दोस्तों सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ एक एक करके, इसमें कितना खर्चा आया और आप कैसे लगवा सकते हो अपनी बाइक में, और सारी चीज़ें एक एक करके बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों इस गाड़ी का प्राइस, माइलेज, इंजन, एवरीथिंग अबाउट दिस व्हीकल, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। दोस्तों तो फ्रंट से कुछ ऐसा लुक रहने वाला है दोस्तों गाड़ी का, ये आप देख सकते हो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त। और यहाँ पे आपको अपना रॉयल इनफील्ड का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा, और राउंड लैंप आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप अपना हार्ड प्लास्टिक कमर गार्ड, उसके नीचे में आपको एक और हार्ड प्लास्टिक कमर गार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो अपने हिमालया की बैचिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हो अपने ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी डिस्क की प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। और ओवरऑल बाइक बहुत ही प्यारी और प्रीमियम है, और ये लेटेस्ट वाला मॉडल है। यहाँ पे आप देख सकते हो E20 का बैचिंग और हिमालया का लोगो, और यहाँ पे आपको अपना फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा। और हैंडल प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी शानदार आपको इसमें हैंडल प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आपको अपना फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलेगा, और सीट जो है सीट भी काफ़ी यूनिक और काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी और प्रीमियम लग रही है सीट दोस्तों। और ओवरऑल लुक की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। ये एडिशनली मॉडिफाई कराया हुआ है, और इसमें कितना खर्चा आया है वो सारी चीज़ें बताता हूँ। पहले आपको इसकी क्वालिटी चेक करवा देता हूँ। तो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। तीन चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, तीन बॉक्सेज है अपने पास, तीन स्टोरेज बॉक्सेज हैं, 1, 2 और 3 दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में इंजन की बात करें तो इंजन काफ़ी पावरफुल सेटअप है। यहाँ पर आप देख सकते हो 452 cc का पावरफुल इंजन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो अपने सस्पेंशन, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी प्यारे सस्पेंशन आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो एक बार मैं राइट साइड से भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड से कुछ ऐसा व्यू रहने वाला है दोस्तों। और ये जो है ये 7 लीटर का है, यहाँ पर आप देख सकते हो 7 7, और ये जो रहेगा आपका बड़ा है उससे, ये दोनों 7 7 लीटर के दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो 7 7 प्लस आपको ये अपना 10 लीटर का मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको अपना इसमें आप बड़ा हेलमेट आप डाल सकते हो एक, और यहाँ पे इसमें लॉक सिस्टम भी दिया गया है, आप अपना सामान वगैरह डाल के इजीली यहाँ पर लॉक कर सकते हो। और इसकी तीनों की आपको अलग अलग की मिलेगी तीनों की, और उसके अलावा एक आपको यहाँ पर बाइक की मिल जाएगी, मतलब 4 की आपको टोटल इस बाइक के साथ में मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों मैं आपको इसका जो कितना इसमें खर्चा आया है वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो इसके अंदर में दोस्तों ये जो एसेसरीज ऐड हुई है दोस्तों, इसके अंदर टोटल 69,000 का खर्चा आया है दोस्तों, 69,000 का। और ये सारी एसेसरीज जो है ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाली एसेसरीज है, ओरिजिनल कंपनी की है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 एसेसरीज ऐड की गई है, और तीनों रॉयल इनफील्ड की है। तो टोटल इसके अंदर में जो खर्चा आया है अपना 69,000 का एडिशनल खर्चा आया है दोस्तों, बाइक के प्राइस के अलावा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में इसका एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस कितना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बाइक आपको एक्स शोरूम और ऑन रोड कितने की पड़ने वाली है, तो मेरे पास में पूरी लिस्ट है, प्राइस लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं एक एक करके बताता हूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसका जो प्राइस रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हिमालया इंडिया C1 450 cc, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसका जो प्राइस रहेगा दोस्तों बेंगलोर के अंदर में, कर्नाटक में, यहाँ पर आप देख सकते हो 2,89,000 की ये आपको एक्स शोरूम पड़ने वाली है, 2,89,000 की एक्स शोरूम पड़ेगी। उसके बाद में जो इंश्योरेंस रहेगा दोस्तों, जो यहाँ पर आप देख सकते हो रोड टैक्स जो रहेगा वो रहेगा 60,000 का रोड टैक्स रहेगा, 60,000 का रोड टैक्स रहेगा। और उसके बाद में इंश्योरेंस जो रहेगा 26,000 का इंश्योरेंस रहेगा, और एसेसरीज वगैरह सब कुछ मिला के ये आपको पड़ जाएगी 3,83,000 की दोस्तों, 3,83,000 की ये आपको ऑन रोड पड़ने वाली है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर में। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो फाइनल प्राइस आपको पड़ेगा 3,83,000 की ये आपको फाइनल पड़ जाएगी दोस्तों। उसके बाद में इसमें आप अपना 60,000 भी ऐड कर दीजिए, जो 60,000 जो ये है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए दोस्तों। और अब मैं आपको इसका माइलेज बता देता हूँ। तो दोस्तों आराम से ये आपको 30 का माइलेज सिटी के अंदर 30 का, और हाईवे पर 35 तक का माइलेज ये बाइक निकाल के दे देगी। ओवरऑल बहुत ही प्यारी और प्रीमियम बाइक है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो हैंडल पर भी आप इसमें ये देख सकते हो रॉयल इनफील्ड ओरिजिनल क्वालिटी, देख सकते हो इसका लोगो। और ओवरऑल फ्रंट से कुछ ऐसा लुक रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, और काफ़ी प्यारी और काफ़ी प्रीमियम बाइक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो रॉयल इनफील्ड का लोगो,
और उसके नीचे में यहाँ पे आपको अपनी नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। और जो टायर प्रोफाइल रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो टायर प्रोफाइल रहेगा 90 90 21 इंच के आपको इसमें बड़े टायर देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो अपने हिमालय का लोगो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा बेहतरीन सा, ठीक है। और उसके बाद में जो पीछे का लुक रहने वाला है वो कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे का लुक। और यहाँ पर जो टायर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। और जो पीछे के टायर रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों 17 इंच के रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो 17 इंच के पीछे के टायर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ओवरऑल दोस्तों हैंडल प्रोफाइल की बात करूँ तो हैंडल प्रोफाइल काफ़ी बड़ा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंडल प्रोफाइल के साथ में ये बाइक आती है और ज़बरदस्त लग रही है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका बड़ा सा फ्यूल टैंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है। और चमचमाती हुई रॉयल इनफील्ड हिमालया 450 cc और ओवरऑल बहुत ही प्यारी और प्रीमियम लग रही है दोस्तों बाइक। तो इसका जो प्राइस रहेगा 383 लाख की ये आपको पड़ जाएगी दोस्तों, 383,000 की ये आपको ऑन रोड पड़ने वाली है सारे खर्चे वगैरह सब कुछ निकालने के बाद में। और इस गाड़ी का मॉडिफिकेशन आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 77 लीटर के यहाँ पर आपको दो बॉक्सेस मिल जाएंगे, स्टोरेज बॉक्स, और यहाँ पर आपको बड़ा बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। ओवरऑल बहुत ही बड़ा है ये, इसमें आपका बड़ा हेलमेट ईजिली आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो रॉयल इनफील्ड अब क्लॉथिंग में भी उतर गया है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाली जैकेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, हेलमेट वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल। और ये बाइक मुझे बहुत ही पसंद है दोस्तों, और ये कलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है दोस्तों, बट मुझे अगर दिल से बताऊँ तो दोस्तों ब्लैक कलर पसंद है। कोई सी भी गाड़ी लो तो ब्लैक कलर की लेने से बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि गंदी भी कम होगी। और बाकी ओवरऑल आप देख सकते हो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी दोस्तों। इसका प्राइस मैंने आपको बता दिया 383,000 की आपको ऑन रोड पड़ जाएगी, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ निकालने के बाद में, मतलब लगभग मोटा मोटी बोलो तो 400,000 की गाड़ी है दोस्तों ये। और बहुत ही पावरफुल है और सीट की क्वालिटी आप देख सकते हो पूरी यू शेप में है सीट की क्वालिटी। और ओवरऑल गाड़ी बहुत ही प्रीमियम है दोस्तों। उसकी माइलेज की इसके माइलेज की बात करूँ दोस्तों तो माइलेज आपको आराम से ये हाईवे पर 35 का और सिटी में 30 का माइलेज ये गाड़ी निकाल के दे देगी दोस्तों। तो ये हो गई अपने माइलेज की बात। और ओवरऑल आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो बहुत ही पसंद आई और ज़बरदस्त लगी मुझे तो ये। और यहाँ पर आप देख सकते हो उसका फ्यूल टैंक, काफ़ी बड़ा फ्यूल टैंक आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, और 15 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो की होल्डर, और उसके बाद में कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसका राउंड आपको राउंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो हिमालया रॉयल एनफील्ड की बैचिंग और E20 का लोगो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, पेट्रोल अप टू E20। मतलब जितनी भी अभी नई गाड़ियाँ आ रही है दोस्तों सब में आपको E20 का लोगो देखने के लिए मिलेगा। और हैंडल प्रोफाइल भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल। और यहाँ पर आपको एसेसरीज वगैरह सब कुछ मिल जाएगी दोस्तों, क्लॉथिंग वगैरह सब कुछ रॉयल इनफील्ड के, तो कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं सर का नंबर डाल दूंगा तो वहाँ से इजीली आप कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो रॉयल इनफील्ड के जैकेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों थम्सअप लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम सभी भाइयों और सभी बहनों को सबको। We'll be right back.